मैं डॉक्टर राजीव भाटिया, डायरेक्टर श्रीमन हॉस्पिटल और कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, आपका स्वागत करता हूँ। ये श्रीमन हॉस्पिटल की एक छोटा सा प्रयास है कि सोसाइटी में लोगों को हेल्दी रखा जा सके। जैसे हम सब जानते हैं, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन डिसीज़, और ये हमारा प्रयास है कि हम आपको जागरूक करके रखें, आपको बता के रखें कि आप किस तरीके से अपनी सेहत को संभाल के रख सकते हैं, जिससे आपको बीमारियां ना हों और आपको हॉस्पिटल आने की भी ज़रूरत ना पड़े। इस प्रयास में हमारे हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर आपको अपनी अपनी फील्ड से जानकारियां देंगे, जिससे कि आप एक हेल्दी और सफल जीवन को बिता सकें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित गुप्ता है। मैं ई एन टी सर्जन हूँ श्रीमन हॉस्पिटल में। ENT के साथ साथ मैं मुंह, कान, नाक, गले के कैंसर को भी का भी इलाज करता हूँ। आज हम बात करेंगे मुंह, नाक, कान, गले के कैंसर, जो कि भारतवर्ष में बहुत बढ़ गए हैं। इतने बढ़ गए हैं कि आज की डेट में मुंह के कैंसर और गले के कैंसर जो हैं वो पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर बन गया है भारत में। इसकी वजह है कि भारत में तंबाकू चबाने और बीड़ी और तंबाकू के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो यूजेज है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो है इन कैंसर्स की तादाद भी बढ़ गई है। एक बहुत बड़ा स्टिग्मा अटैच्ड है कैंसर के साथ कि अगर कैंसर हो गया है तो इसका कोई इलाज नहीं हो सकता और मृत्यु निश्चित है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम समय पर कैंसर को पकड़ पाएँ तो हम कैंसर का इलाज भी कर सकते हैं और मरीज़ को कैंसर मुक्त भी रख सकते हैं। इस बारे में हमारे एक मरीज़ हैं जिनके एक्सपीरियंसेस हम आज आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। आप उनके मुंह से सुनेंगे कि कैसे उन्होंने कैंसर की इस लड़ाई को जीता है, कैसे वो अपने आप को कैंसर मुक्त कर पाने में कामयाब हुए। इसके अलावा कैंसर जो है वो क्यों होता है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। कैंसर जो है मुंह का जो कैंसर है आमतौर पर चबाने वाले तंबाकू, सुपारी, पान, गुटखा या फिर बीड़ी से होता है। शराब का अधिक सेवन करने से भी जो है वो मुंह का कैंसर हो सकता है। आमतौर पर कुछ छाले हो जाते हैं मुंह में जो कि नहीं भर पाते हैं। जब भी कोई ऐसा छाला हो मुंह के अंदर, एक गले में गांठ हो, मुंह में से खून आने की दिक्कत हो, आवाज़ में बदलाव हो, सांस लेने में दिक्कत हो, तो ये सभी संकेत जो होते हैं वो इस चीज़ को हमें बताते हैं कि मुंह या गले में कैंसर हो सकता है। तो हमें अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, अपना चेकअप कराना चाहिए, और अगर हमें ऐसा कुछ दिखता है तो उसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी हम इलाज करा सकते हैं उतना ही जल्दी हम अपने आप को बीमारी से मुक्त करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि अगर आपको कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने निकटतम डॉक्टर के पास जाएं जो कि कैंसर की इलाज में माहिर हो, और अपना चेकअप कराएं ताकि जल्दी से जल्दी इस रोग को पकड़ा जा सके, ताकि हम इस रोग को हरा सकें और दुनिया को कैंसर मुक्त कर सकें। शुक्रिया। माय नेम इज बीसी कश्यप। मैं जलंधर में न्यू डिफेंस कॉलोनी में रहता हूँ। जब मुझे बायोप्सी के बाद मालूम हुआ कि मेरी जो टांग है वहाँ पे कैंसर है, तो मैंने उसको फेस करने के लिए हौसला रखा, डरा नहीं मैं, और मेरे दिमाग में ये था कि अच्छे से अच्छा जो चीज़ में जहाँ हो सके मैं उस हॉस्पिटल में जाऊँ। तो मेरे बच्चे जो थे वो मुझे कोई बोलता कि आप जीजी जाओ, कोई चाचा वाले के जाओ, पोलियो जाओ, लेकिन मैंने किसी अच्छे सज्जन पुरुष से मालूम हुआ कि जो श्रीमान हॉस्पिटल है बाईपास पे वो बहुत अच्छा है, तो मैं वहाँ पे जाऊँ। तो मैं उसी दिन ही इस श्रीमान हॉस्पिटल जो बाईपास में है वहाँ पे आ गया। तो ये एक बहुत फॉर्चुनेट बात थी कि भी मुझे वहाँ पे पांच चार डॉक्टरों ने मुझे आके देखा, अटेंड किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे हौसला दिया कि भाई मेरा जो है इलाज यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इस हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और उसके बाद डॉक्टर अमित गुप्ता जो हैं जो ईएनटी के स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने मेरा केस जो है चेकअप किया। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी उन्होंने 7-8 घंटे लगा के तो मेरी सर्जरी की। मैं बिल्कुल उसको एक हौसले के साथ देखा। टाइम भी मुझे मालूम हो गया कि भाई ये एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, इलाज अच्छा है, तो मेरा इलाज यहाँ पे हो गया। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जैसे कि डॉक्टर हरमीत साहब हैं, ही इज़ अ वेरी नाइस एंड प्रोफेशनल डॉक्टर। सिमिलर इज कि जो डॉक्टर वाणी हैं वो एक बहुत अच्छे एबल एडवाइजर भी हैं। डॉक्टर तो है ही हैं लेकिन एडवाइजर भी हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जो डॉक्टर अमित गुप्ता जी हैं वो प्रोफेशनल डॉक्टर तो है ही हैं, लेकिन मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि ही इज़ अ जेम, ही इज़ नेक्स्ट टू गॉड, टू मी ही इज़ नेक्स्ट टू गॉड। और उन्होंने मुझे ये जो लाइफ दी है एक प्रॉक्सी जिंदगी की है, बोनस लाइफ दी है मुझे। तो मेरा पेशेंट से, लोगों से यही एक अपील है, रिक्वेस्ट है कि भाई आप पीरियडिकल चेकअप कराएं। जब भी कोई तकलीफ होती है उसी टाइम पे किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके उसकी अपना चेकअप कराएं। जब भी कोई तकलीफ का मालूम हो जाता है तो इंस्टेड ऑफ कोई देसी दवाइयों के पास जाएं, कोई इधर जाएं, तो उससे बेहतर यह है कि भी आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, एक अच्छे हॉस्पिटल के पास जाएं। जैसे कि ये हॉस्पिटल श्रीमान है बाईपास में, ऐसे अच्छे हॉस्पिटल जाएं जहाँ पे डॉक्टर जो हैं जल्दी की चीज़ हैं, प्रोफेशनल तो है ही हैं लेकिन जल्दी की चीज़ हैं, अच्छा स्टाफ है। और उसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट है बहुत अच्छा है, नॉर्मल है। तो मैं जैसे ये मैं हूँ 20-25 दिन के अंदर अंदर मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अच्छी तरह बोल सकता हूँ, चल सकता हूँ, खा सकता हूँ। तो मैं पेशेंट्स को यही बोलूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भी आप अपने कोई तकलीफ होती है तो इमीडिएटली के अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, उसका उसके बाद अच्छे से इलाज कराएं। जैसे कि ये श्रीमान हॉस्पिटल है, ऐसे जो हॉस्पिटल हैं बहुत कम हैं। मेरी एक पेशेंट से रिक्वेस्ट है कि भाई अपनी लाइफ से ऊपर कुछ नहीं है, हो सके तो अच्छे हॉस्पिटल पे जाएं, अच्छा इलाज कराएं जहाँ पे अच्छे डॉक्टर हैं, एबल डॉक्टर हैं और प्रोफेशनल हैं। मैं ये इन कंक्लूजन लास्ट में ये कहूँगा कि भी इस हॉस्पिटल में डॉक्टर जो हैं वो एबल तो है ही हैं, प्रोफेशनल भी हैं, लेकिन ये दही के चीज़ हैं। और जो दही के चीज़ डॉक्टर हैं वो पेशेंट को अपना ही समझ के ऐसा लाई करते हैं, कोई ठीक करते हैं। और डॉक्टर जो हैं टू माई माइंड दे आर नेक्स्ट टू गॉड, और उनको अच्छी तरह से पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरह से देखते भी हैं और उसका इलाज भी अच्छी तरह करते हैं। जैसे कि मेरा उन्होंने इलाज किया है तो मैं बड़ा हैप्पी हूँ, बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं ऐसे अच्छे हॉस्पिटल में आ गया और अच्छे डॉक्टरों के पास, जैसे डॉक्टर अमित गुप्ता जी हैं। तो मैं तो जितनी देर भी हूँ लाइफ में मैं इनको नहीं भूल सकता। परमात्मा इनको बड़ी उम्र दे, तंदुरुस्ती दे। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। यू नो